भविष्य में जब नर और नारायण पर्वत दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे, तब बद्री विशाल मंदिर है वहां का रास्ता पूर्णतः बंद हो जाएगा, तब दर्शन के लिए आपको यहीं पर आना पड़ा करेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सबका अपने चैनल ट्रैवल्स पर। और आज है 9 नवंबर 2024 और मैं आपसे बात कर रहा हूँ फिलहाल भारत के सबसे आखिरी गांव इंडो तिब्बत बॉर्डर पर, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में स्थित नीति वैली के नीति गांव से, जो फिलहाल है पूरा खाली। अगर आपने हमारा पिछला व्लॉग देखा था तो आपने हमारी पीपल कोटी से यहाँ तक की यात्रा, नीति गांव तक की यात्रा देखी थी। आज हमारा यहाँ पर आखिरी दिन है। आखिरी दिन क्या मतलब, कल हम आए थे, रात को रुके, बहुत सारी बातचीत की, वो आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाके देख लो। तो अब ये है सीन कि सुबह के लगभग 7:30 बज रहे हैं और हम निकलेंगे अब यहाँ से वापस जोशीमठ के लिए। रास्ते में कुछ जगहें हैं जो हम आपको दिखाएंगे, जो हम आते समय कवर नहीं कर पाए थे क्योंकि हमें टाइम से यहाँ पर पहुँचना था, बहुत दूर था। और रोड की अगर मैं कंडीशन की बात करूँ, अच्छी रोड कंडीशन है, बहुत बुरी नहीं है, बीच में थोड़े थोड़े पैचेज हैं बट वो नेगोशिएबल हैं। बाकी नीति विलेज में मैं हूँ तो आपका मन नीति विलेज को देखने का कर रहा होगा। ये देख सकते हैं आप, मैं फ़िलहाल इस ऐतिहासिक पुराने लकड़ी के घर के सामने खड़ा हुआ हूँ। कलरफुल सी ये वैली, गांव पूरा खाली है। चलिए मैं आपको एक टूर कराता हूँ छोटा सा इस गांव का, हालांकि गांव तो पूरा खाली है, और फिर हम यहाँ से निकलेंगे वापस। बने रहिए दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो, और अगर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना तो आपको हमारी आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता नहीं चलेगा। और हमारे एनालिटिक्स बताते हैं कि हमारे मैक्सिमम व्यूअर हमारे सब्सक्राइबर नहीं हैं, तो प्लीज़ अगर आप लाइक कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन यूट्यूब को लगेगा कि ये वीडियो वर्थ है तो वो लोगों को दिखाएगा। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों ये है नीति गांव, कल रात को तो हम आपको नहीं घुमा पाए थे, परंतु चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखिए कुछ ताले लगे हैं तो खुले हैं, कुछ बंद हैं। गांव यहाँ के बड़े संकरी संकरी गलियों वाले होते हैं, पत्थर के ऐसे वो हैं, छत है, इन पे बर्फ़ नहीं टिकती, बर्फ़ आती है और गिर जाती है। इम्पॉर्टेंट बात है कि गांव पूरा खाली है। देखिए यहाँ हम बगदाल देवताओं के मंदिर पर आ गए। देखिए पूरा गांव, घर देखिए कितने प्यारे बने हुए ऊपर, ये देखिए कितने पुराने पारंपरिक घर बने हुए हैं। वो आर्मी की चेक पोस्ट है, वहां से आप आगे नहीं जा सकते। इन घरों में लोग आकर रहते हैं, ये है पूरा नीति गांव। ये गांव बड़ा खुशहाल होता है जब यहाँ लोग आके रहते हैं। फिलहाल तो बिल्कुल सुनसान है क्योंकि सब लोग जा चुके हैं, ये मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था। एक घर में और लोग हैं यहाँ पर, बस ये देखिए उधर वो धौली गंगा, एक टावर यहाँ लग रहा है दोस्तों। जल्दी यहाँ BSNL का नेटवर्क आने वाला है, टावर खड़ा हो गया है, बस कनेक्टिविटी की देरी है। धूप आने लग गई ऊपर, और मैं आपको दिखा देता हूँ जिस होम स्टे में हम कल रात को रुके थे, ये है हिल व्यू होम स्टे नीति विलेज में। एक ही होम स्टे है, इसका नंबर और लोकेशन दोनों आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कल रात को हम इस वाइट घर में रुके थे, इस वाले में। यहाँ पर एक कमरा है, ऊपर दो कमरे हैं, नीचे बाथरूम है, बेसिक सा। वो आप हमारी पुरानी वीडियो में देख लेंगे तो आपको दिख जाएगा, उसमें मैंने टूर कराया है। ये हमारा होम स्टे था, बाकी होम स्टे का हिस्सा यहाँ पर भी है। तो चलिए करते हैं यात्रा यहाँ से शुरू और मिलते हैं आपसे आगे चलकर अगले हिस्से में। तो ये है हमारी आंटी जी, विनीता आंटी जी, जो इस होम स्टे को अंकल के साथ मिलकर चलाती हैं। बहुत एनर्जी है भाई आंटी के अंदर, कल से आंटी जी नॉन स्टॉप लगी पड़ी है, और खिलाने पिलाने में तो बहुत ही एक्सपर्ट है।
तो आंटी जी धन्यवाद, आपने हमें होस्ट किया उसके लिए। और इन्होंने कल खाना बनाया। हाँ, और ये यहाँ के कुक हैं। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह जी, तो महेंद्र सिंह ने हमारे लिए कल खाना, MSD। और अंकल जी, हाँ जी, प्रेम सिंह पुनिया जी, अंकल जी भी यहाँ पर होम स्टे साथ में चलाते हैं। अंकल जी, हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे, लोगों को बुलाना चाहेंगे कुछ? आप आइए, यहाँ नीति घाटी में आपका स्वागत है, टिम्बरसेन महादेव में। यहाँ से आगे अब आप पास बना के आइए, बॉर्डर दर्शन कर सकते हैं। यहाँ से टॉप से वैसे तो कैलाश मानसरोवर दिखाई देता है, और उसके लिए पास बना के लाना पड़ेगा DM HDM से जी। थैंक यू। और भैया ने भी कल खाना बनाया था साथ में? हेल्प हूँ मैं, मेन शेफ के लिए कुछ नहीं। तो ये चार लोगों की यहाँ चौकड़ी थी जिनके साथ हम कल थे, और ये है होम स्टे। हालांकि पिछली वीडियो में आपने देख लिया था, आप यहाँ आ सकते हैं फ़ोन करके, बात करके। बहुत अच्छी लोकेशन है, बहुत बढ़िया लोकेशन है, प्राइम लोकेशन है गाँव के अंदर। और चलिए अब हम यहाँ से लेते हैं विदा, और आपसे मिलते हैं अभी रोड पर थोड़ी देर में, जब बाकी जो जगहें हम आपको दिखाएंगे। आशा करते हैं आपको ये पसंद आएगा, बने रहिए। गाड़ी के ऊपर पूरी बर्फ जमी हुई है, और उपाय है सिर्फ गर्म पानी। अभी मधुर गौर ने वाइपर चलाया तो पानी भी बाहर नहीं आया अंदर। अंदर जो वाइपर में पानी होता ना, वो जम गया भाई। तुमने यार सारा पानी वेस्ट कर दिया इधर। ब्लोअर चलाने के बाद भी कुछ असर नहीं हो रहा भाई साहब, शीशे पे भी बर्फ जम गई है। ये रही बर्फ की पतली चादर। भाई साहब गाड़ी निकल गई है, लेकिन गाड़ी के अभी सारे सेंसर्स काम नहीं कर रहे हैं। सामने देखो स्क्रीन पे, तो ये पाला पड़ा है, बर्फ पड़ी है, जो भी है मॉइस्चर था, जम गया रात को, ठंड थी, माइनस में टेम्परेचर था, लेकिन अभी तक पिघला नहीं है। और लगभग 4 से 5 मिनट हो गए ब्लोअर को चलाए हुए। हाँ। ब्लोअर भी ठंडी हवा दे रहा है, गर्म हवा नहीं। मम्मी सोच रही थी हमें और ठंड कर दी तुमने गाड़ी के अंदर ना। गाड़ी में पहले ब्लोअर में क्या होता था कि भाई साहब बिल्कुल मामला गर्म कर देता था ब्लोअर एक मिनट में, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। और ये हम बस निकल गए नीति विलेज से बाहर दोस्तों। ये नीति विलेज मेन रोड से हल्का सा नीचे उतर के था। ये जो आप ऊपर रोड देख रहे हैं ना, ये रोड जाता है नीति पास के लिए। नीति पास इंडिया तिब्बत बॉर्डर है। यहाँ से अब हमें जाना है, देखिए, गमशाली और मलारी होते हुए जोशीमठ की तरफ। यहाँ से लगभग 24 किलोमीटर पीछे है इंडिया तिब्बत बॉर्डर, जहाँ तक आप जा सकते हैं यदि आप SDM से परमिशन लेकर आते हैं तो। नीति गाँव से मुश्किल से 1 किलोमीटर बाहर आते ही ना, एक बड़ा सा पुल का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। उस पुल से जरा सा पहले ये जो आप रोड देख रहे हैं साइड में, जो ये वाला जो ऊपर जा रहा है, ये ऊपर चढ़ रहा है, ये बस ये जितना दिख रहा है इतना चढ़ने के बाद एक ग्राउंड आ जाता है। इस ग्राउंड में आप अपनी गाड़ी बाइक जो भी है खड़ी कर सकते हैं, और यहीं से शुरू हो जाती है टिम्बरसेन महादेव की यात्रा, जो एक छोटा अमरनाथ के नाम से फेमस है। उस जगह आप जा सकते हैं, और ये अगर आप वहां से आ रहे हैं तो पुल को क्रॉस करने के बाद आपको इधर जाना होगा। अभी रोड थोड़ा सा खराब है, कारण है क्योंकि नीचे एक बड़े पुल का निर्माण हो रहा है। जैसे ही वो पुल बन जाएगा ये रोड बहुत अच्छा हो जाएगा। ये देखिए ये रास्ता अंदर टिम्बरसेन के लिए जाता है। ये जो खड्ड जिसे हम पार करेंगे अभी, ये जो धारा दिखेगी अभी आपको, ये धारा वहीं से आ रही है, जिसका कल बताया था कि आपको 5 तरीके का पानी है। यहाँ से आप अंदर देखेंगे, उधर देखेंगे, इधर दिखा दो, उधर दिखा सकते हो, ये रास्ता जा रहा है, वो वाला रास्ता उधर उधर से जाता है, और उस पहाड़ के पीछे है टिम्बरसेन महादेव। कंस्ट्रक्शन का काम तो फुल फ्लो में है, बहुत जल्दी ये दोस्तों रास्ता ना बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। रास्ता अभी भी ठीक है, थोड़े बहुत पैचेस को छोड़ के ना, बट आने वाले टाइम में ये रोड बहुत बढ़िया हो जाएगा। और आप मतलब जोशीमठ से नीति विलेज 2.5 घंटे में आ पाएंगे। बबरे भाई कोई ये सोचे ना बाबू रात को, नहीं रात को तो मतलब ही नहीं, नहीं नहीं रात को कि भाई कहीं कुछ घर नहीं मिला, ये नहीं मिला तो गाड़ी में सो जाएंगे। अरे भैया जमा हुआ ही मिलेगा सुबह, गाड़ी में तो इंसान जम नहीं नहीं सो सकते गाड़ी में। नीति गांव से निकलते ही आता है गमशाली गांव, और गमशाली के बराबर में आता है
बंपा गांव। और बंपा गांव में है एक बहुत ही विख्यात पंचनाग मंदिर। तो रोड से ही वो रहा मेन रोड, वहां गाड़ी उतरी और ऐसा एक रास्ता आ रहा है दोस्तों, ये रहा ऊपर बंपा गांव और ये बिल्कुल मैदान के बीचों बीच बना है पंचनाग मंदिर। चलिए दर्शन करते हैं इसके। लोग यहाँ जब आते हैं तो दर्शन करने जाते हैं अवश्य। अब भी आपको दिखा देते हैं, पीछे उधर सूरज तो निकल आया है। नेहा मैडम फुल स्पीड में फास्ट 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 आगे जा रही है। आज अगर सब कुछ ठीक रहा प्रभु की इच्छा से तो हम आपको भविष्य बद्री मंदिर भी दिखाएंगे, जहाँ पर कहा जाता है कि भविष्य में बद्रीनाथ जो महाराज हैं उनका मंदिर वहीं पर होगा। चलिए पंचनाग देवता के दर्शन करते हैं। ये हो गई हमारी मंदिर में एंट्री, परंतु दुखद बात है कि प्रभु आज हमें दर्शन नहीं देंगे, मंदिर बंद है मित्रों। चलिए हे प्रभु क्षमा करना। जय फैला पंचनाग। और लोकेशन बड़ी ही प्यारी है, देखिए घाटी के बीच में पेड़ है, सुंदर है था सुंदर। चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं इस जगह से वापस और हमारी यात्रा अब चलेगी मलारी गांव की तरफ। और मलारी गांव में ना मुझे जानकारी मिली है कि एक लोन ट्री है, एक बहुत बड़ा इकलौता पेड़ जो कई सौ सालों से मलारी गांव में खड़ा है। चलिए बने रहिए। तो धन्नो आ गई है मलारी के लिए। मलारी हम लोग पहुंच गए। जरा पत्थर लगा दूं भैया गाड़ी के पीछे, अपना पीछे भाग जाएगी। मलारी गांव हम क्यों रुके हुए हैं, हम आप रुके हैं आपको ये दिखाने के लिए। देखिए ये जो एक पेड़ आपको नजर आ रहा होगा बीच में, ये वाला, दिस इज कॉल्ड द लोन ट्री ऑफ मलारी। ये एक बहुत ऐतिहासिक पेड़ है जो कि मलारी गांव में है। इस पेड़ से जुड़ी हुई कुछ मान्यताएं हैं, जिसमें ये कहा जाता है कई दशकों पहले जब इस पेड़ को काटने की कोशिश की गई थी तो इसमें से लाल रंग के पदार्थ का रिसाव हुआ था और उसको खून मानते हुए बाद में इस पेड़ को काटने से रोक दिया गया, वरना पहले यहाँ काफ़ी जंगल हुआ करता था। तो यही पेड़ एक यहाँ पर बचा है आज भी मलारी में। और इसी के नीचे आकर है हीरामणि माता मंदिर। ये देखिए अब रोशनी पड़नी शुरू हो गई है और हम उस रोड से अभी आ रहे हैं पीछे की तरफ से निकलते हुए। वो देखिए वो जो रोड आ रही है आपके सामने पीछे से नीति वेरिस से। चलिए अब मलारी गांव को क्रॉस करेंगे और हमारा आज की डेस्टिनेशन होगी भविष्य बद्री। और मलारी गांव से ना देखो पीछे ना वो आर्मी का एक कैंप है, वहाँ पे ना आर्मी वाले आपसे आपका एक आईडी जमा करा लेते हैं, रख लेते हैं और उस आईडी को आपको एक दिन बाद देते हैं जब आप वापस आओगे, मतलब जब भी। देखिए ये गेट जो आपको दिख रहा है ना, ये गेट नीचे हीरामणि माता के लिए जाता है, दर्शन के लिए मंदिर में आ गए, ठीक है हीरामणि माता। और अब हम आ गए हैं मलारी गांव में। ये इस वैली का एक बहुत ही फेमस गांव है, एक तो बहुत ऐतिहासिक गांव है और पहले ना रोड, मतलब कई दशक पहले रोड सिर्फ मलारी तक ही थी, तो मलारी से आगे के जो लोग थे जितने भी वो फिर पैदल ही जाया करते थे। जैसे मतलब अगर मैं बात करूं नीति गांव जाने की तो मलारी से नीति गांव 25 किलोमीटर था और अच्छा खासा टाइम यहां पर लोगों को लगा करता था। और इस गांव का नाम ना माना के साथ जोड़कर भी रखा जाता है, कई बार लोग कहते हैं माना मलारी है, लेकिन माना दूसरी वैली में और मलारी दूसरी वैली में। माना अलकनंदा वैली में है और मलारी ये धौली गंगा वैली में, नीति वैली में है। और देखिए ऑटम का क्या शबाब चढ़ा हुआ है इस टाइम पर, ऊपर बर्फ है और ये पेड़ कितने प्यारे लग रहे हैं यार, खूबसूरत से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये मलारी गांव हमने क्रॉस कर लिया, अब हम आ गए मद्रास रेजिमेंट वाले। तो दोस्तों अभी क्या हुआ, हमने शूट तो नहीं किया, हम मलारी से निकले थे ना आपको बड़ा सा पेड़ दिखाने के बाद, तो मलारी के जस्ट बाद ही मैंने आपको बताया था आर्मी का एक कैंप आता है जहाँ पे वो आपको अपनी आईडी जमा करनी पड़ती है, तो वो मद्रास रेजिमेंट का है। फिर आईडी लेने के बाद वहाँ पे ना हमें बोर्ड दिखा मद्रास कैफे का, तो मद्रास कैफे का हमने पूछ लिया सर जी मद्रास कैफे में कुछ मिलेगा, उन्होंने कहा डोसा मिल जाएगा। मैंने कहा बस यही तो खाना था, अंदर गए भाई दो डोसे खाए, क्या टेस्टी डोसे थे, प्लेन डोसा और मसाला डोसा, और प्राइस एकदम रीजनेबल। रीजनेबल मतलब कि प्लेन डोसा जो मैंने खाया वो 25 रुपए का और इनका मसाला डोसा 35 रुपए का विद सांबर एंड नारियल की चटनी, और नारियल की चटनी वो सुपर टेस्टी। तो अगर आप आते हैं तो यहाँ पे मद्रास कैफे पे जरूर आप रुक के खा सकते हैं। मलारी गांव से पहले
जो चेक पोस्ट है जहाँ पे आपकी आईडी जमा होगी वहीं पे, वहीं पर है मद्रास कैफे। और अंदर हमने शूट नहीं किया क्योंकि आर्मी एस्टेब्लिशमेंट थी, तो वहाँ कुछ भी शूट करना इज नॉट गुड। तो हम बस खा पी के मस्त हाथ धो के और हाथ पहुँच के पैंट से वापस आ गए। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर आपको जो गाड़ियाँ खड़ी हुई नजर आ रही है ना, ये इसीलिए खड़ी नजर आ रही है क्योंकि यहाँ पर है द्रोणागिरी पर्वत देखने वाली जगह। इसके लिए आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। लेकिन इस जगह से ज्यादा अच्छा व्यू अगर आप इसके थोड़ी आगे जाएंगे ना, वहां से मिलेगा, और उससे भी अच्छा व्यू उसके भी आगे गमशाली विलेज जो है वहां से मिलेगा। तो आप यहां से भी देखिए, फोटो खिंचवाइए क्योंकि बोर्ड लगा हुआ है, तो फोटो खिंचवाइए, और व्यू लेना है तो इसके आगे से लीजिए। अब हम बस थोड़ा सा आगे चलकर भविष्य बद्री के लिए मुड़ेंगे। अब हमें रोड भी पता करना पड़ेगा कि भविष्य बद्री के लिए कौन सा रोड जाता है, फिर आपको भविष्य बद्री दिखाने के बाद गर्म पानी दिखाएंगे और फिर लेकर चलेंगे आगे जोशीमठ। तगड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पर। ये ब्रिज ना थोड़ा सा ये ब्रिज बन ही रहा है, नया बन रहा है। इस रास्ते को बाईपास करने के लिए ओके, वो देखो सामने जुड़ रहा है, जुड़ाएगा वहाँ पर। ए भैया, और दोस्तों गूगल मैप हमारा हमें क्या बता रहा है पता है? इधर दिखाना जरा, ये देखो, ये कह रहा है, मैंने ना इसमें लोकेशन डाली भविष्य बद्री की, देखो कह रहा है भविष्य बद्री के लिए रास्ता आ गया, यहाँ चढ़ जाओ कहीं इस जंगल में, इसमें नाले में चले जाओ, ऊपर जाओ। यहाँ पे इसके हिसाब से तो भविष्य बद्री यहाँ है भाई। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वाह बड़ा गूगल पागल। हाँ लेकिन हम जाएंगे यहाँ से भी 4 किलोमीटर आगे तपोवन तक, तपोवन से रास्ता कटेगा भविष्य बद्री का। सो अब हम आ गए हैं रैनी गांव से थोड़ा सा आगे, जिसका नाम है, जिस जगह का नाम है गर्म पानी। और इस जगह को गर्म पानी क्यों कहते हैं शायद मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, जमीन के अंदर से भाप मारता हुआ ये गर्म पानी आ रहा है, और थोड़ा नहीं बहुत गर्म है भाई, बहुत गर्म है, मतलब उबल रहा है, लिटरली उबल रहा है भाई साहब। ये देखिए कैसे जमीन के अंदर से भाप मार रहा है भाई, गजब। छू के देखो, गर्म है, काफी गर्म है भाई, काफी गर्म है। ये है प्रकृति का जादू दोस्तों। ये देखिए, ये हाँ बदबू भी आ रही है गंदी सी ना, सल्फर की स्मेल है, गंदी स्मेल है। नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। गाड़ी वो खड़ी हो गई रोड के किनारे ही है भाई, रोड के यहाँ ना कोई बोर्ड वोर्ड नहीं लगा हुआ, साइड में बस एक छोटा सा बोर्ड है उधर। हाँ एक्चुअली आप जब क्रॉस करोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आसपास का रोड ऐसा है नजारा, तपोवन से थोड़ा सा ही पहले है। ये देखिए गजबा है, गजबी जगह है, गजब। मुझे तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा हो क्या रहा है यहाँ पर, ऐसा क्यों है? एक्चुअली यहाँ नीचे कोई ऐसी जगह है जहां से अर्थ का जो लावा है वो लावा थोड़ा ऊपर तक आ गया है, और वहां जो वाटर प्योर जो वाटर है जमीन के अंदर जमा हुआ, वो पानी उस लावा की हीट से गर्म हो रहा है और प्रेशर के साथ वो बाहर आ रहा है। ऐसा हर जगह नहीं होता अर्थ पे, अर्थ में जहां जहां ऐसे ब्रैकेट बनते हैं ना जहां पे लावा आ सके वहीं पर ऐसा होता है। भैया भविष्य बद्री मंदिर के लिए रास्ता यही है, ये वहां से आना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, रोड सही बना है भैया? ये मैं आपको बता देता हूँ, तपोवन में घुसने से जस्ट पहले एक बैंड है भविष्य बद्री के लिए, वहां से आपको चढ़ना है और 13 किलोमीटर आपको पक्का रोड मिलेगा, बढ़िया वाला नैरो, और सीधा मंदिर के आगे रुकेगा। पतली रोड है जैसा कि आप देख सकते हो, और 13 किलोमीटर है नीचे कट से ऊपर तक का। भविष्य बद्री पहुंचने का रास्ता जितना खूबसूरत है उतना ज्यादा थोड़ा डेंजरस भी है, तो यहाँ पे जब गाड़ी चलाएं तो बेहद अलर्ट मोड में चलाएं और हॉर्न देते रहें। और ऊपर चढ़ते वक्त ही होते हैं आपको महान नंदा देवी पीक के दर्शन, और यहाँ से नंदा देवी पीक ऐसी सामने खड़ी दिखाई देती हैं कि आपको लगता है कि बस थोड़ी ही दूर है, लेकिन वास्तव में वो काफ़ी दूर है, लेकिन नज़ारा लाजवाब होता है। रास्ता संकरा होने के साथ साथ काफी स्टीप भी है और आप एकदम से हाइट गेन करते हैं। सुंदर लग रही है।
ये मंदबुद्धि अचानक चुपचाप खड़ी थी और गाड़ी को देखते भागने लग गई आगे आगे। देखो देखो मारे पगलू। तो जी लीजिए हम भी आ गए हैं भविष्य बद्री पे। बस 50 मीटर ऊपर चलना है। बस अब थोड़ा सा ऊपर जाना है। वहां पे कहीं पे अमेजिंग ड्राइव भाई, अमेजिंग ड्राइव। मतलब 14-13 किलोमीटर के आसपास का रोड था एंड अमेजिंग राइड। नैरो रोड, इंक्लाइन बहुत, बैंड मुझे लग रहा है कम से कम 30 से ज्यादा बैंड थे, शायद 30 से ज्यादा बैंड रहे होंगे। और उससे अच्छा जो नंदा देवी का व्यू था एकदम सामने। ओ भाई नंदा देवी एकदम बिल्कुल सामने खड़ी हुई थी जो आपने वीडियो में देखी, मतलब गजब यार गजब, बहुत बढ़िया। चलिए ऊपर चलते हैं और जरा दर्शन कराते हैं। एक नए गेट का निर्माण यहाँ पर हो रहा है और जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया कि राइड तो बहुत ही अच्छी थी। यहाँ की मैं थोड़ी सी कहानी भी आपको सुना देता हूँ। वेदों और पुराणों के अनुसार भविष्य में जब नर और नारायण पर्वत दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे तब करंट जो प्रेजेंस में बद्री विशाल मंदिर है वहाँ का रास्ता पूर्णतः बंद हो जाएगा और तब उस समय श्रद्धालु वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तब दर्शन के लिए आपको यहीं पर आना पड़ा करेगा भविष्य बद्री में। घने चीड़ के जंगल में बसा है ये मंदिर और पीछे है विशाल नंदा देवी। वो सामने है मंदिर, मुश्किल से 100 मीटर और, टोटल मिला के 150 मीटर पार्किंग से। लोकेशन अद्भुत, सच में अद्भुत, चीड़ के जंगलों के बीचों बीच कितनी प्यारी लोकेशन है ना। और ये हमारे साथ एक भेड़ आ रही है, ये भैया जो हमारी कार के आगे आगे भाग रही थी। पगलू सी क्या है, क्या चाहिए? चलो साथ आगे चलो, आगे आगे। चलते जाइए, कोई नहीं है भाई, हम ही दो हैं और एक भीड़ है बस। ये आ गए भाई हम बद्री विशाल, भविष्य बद्री। तैयार रहो, अब से कुछ शताब्दियों के बाद बद्रीनाथ जी की पूजा यहीं हुआ करेगी, इसी जगह घने जंगलों के बीच। ये सामने मंदिर है, मुख्य मंदिर, बहुत शांत वातावरण है, बहुत शांत वातावरण। तो अभी आपने हमारे पीछे जो मंदिर है भविष्य बद्री उनके दर्शन आपने किए और अंदर फोटो खींचना मना था तो मैंने बस बाहर बाहर ही वीडियो बनाई है। अभी अंदर जो पंडित जी बैठे हुए थे उनसे थोड़ी बातचीत की तो मैंने उनसे पूछा कि पंडित जी ये मतलब क्या इसकी कहानी है, कहाँ इसके बारे में लिखा हुआ है ऐसा। तो पंडित जी बताते हैं कि अब से लगभग 200 साल पहले एक गडरिया हुआ करता था, नीचे सुभई करके गांव है, तो उस गांव में एक गाय होती थी, तो गाय के साथ ग्वाले आते थे तो गाय को छोड़ देते थे। तो एक गाय डेली आती और ऊपर जो शिला है जो मुख्य मंदिर में जो शिला है वो बड़ी प्यारी शिला है, बद्री विशाल का रूप ले रही है नारायण का, तो वो उस मूर्ति पर दूध से अभिषेक करके चली जाती और गांव में शाम को जाके वो दूध नहीं देती थी। तो ग्वाला ने देखा भाई क्या कारण है, क्या रीजन रहा, क्यों नहीं है ऐसा। तो उसके साथ साथ आया ऊपर और जब वो वॉक करता हुआ ऊपर आ रहा था तो उसकी आंख लग गई और वो सो गया और गाय आई और अपना ऊपर आराम से दूध अभिषेक करके और नीचे चली गई। उसकी आंख खुली ग्वाले की तो देखता है तो गाय तो उसे मिली नहीं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं देख के आऊं ऊपर क्या था। तो जब ऊपर आया तो ऊपर उसको यहाँ पर एक शिला के ऊपर दूध चढ़ा हुआ दिखा और प्रभु ने उसके ऊपर कुछ दूध की छींटे मार दी, तो उसको नजर आया कि यहाँ पर गाय ने यहीं पर दूध अभिषेक किया है। इसके बाद अगले दिन फिर गांव के लोग नीचे से ऊपर आए और उन्होंने शिला पे पूजा की। पूजा करने के बाद से फिर वो गाय ने दूध देना दोनों टाइम शुरू कर दिया नीचे, ऐसा हमें पंडित जी ने बताया। पंडित जी ने बताया कि कुछ किताबों में ऐसा लिखा है कि जो नरसिंह
महाराज की मूर्ति है जो जोशीमठ में, वो उसकी जो बाह है वो पतली हो रही, तो जब वो बाह टूटकर जमीन पे गिर जाएगी तब नर और नारायण पर्वत दोनों एक हो जाएंगे और बद्री विशाल जो अभी है वहां के दर्शन करना असंभव हो जाएगा, और तब पूरे साल के लिए 12 महीने के लिए दर्शन बद्री विशाल के, बद्रीनाथ भगवान के इसी मंदिर में हुआ करेंगे। ये आज होगा, कल होगा, कई 100 साल बाद होगा, कई शताब्दियों बाद होगा, कई युगों के बाद होगा, इसके बारे में कोई भी कुछ भी बात नहीं कही गई है, लेकिन होगा, लेकिन होगा ऐसा, और इसी कारण से इसको भविष्य बद्री कहते हैं। यहाँ तक की यात्रा बहुत अच्छी थी, अब हम चलते हैं यहाँ से वापस नीचे की तरफ, अभी थोड़ा सा पैदल चलना है और उसके बाद 13 किलोमीटर बैंड पर टैं 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 करके उतरना है। चलिए अब हमने उतराई शुरू कर दी है और आप देख सकते हैं कि कैसे सामने पहाड़ों पे बादल आ गए हैं, मौसम एकदम से बदल गया, जब हम आए थे तो एकदम तेज धूप थी और अब क्लाउडी सा हो गया है। नीचे जाएंगे तो धूप मिल जाएगी लेकिन ऊपर तो मौसम थोड़ा खराब हो गया है। एक और चीज है दोस्तों, भविष्य बद्री पर जब गूगल मैप में लोकेशन डालोगे ना तो वो रोड नहीं दिखाएगा, तो आप तपोवन से ना किसी से पूछ के आना, रोड बनी हुई है ऊपर तक, वो तो आपने देखी ली, लेकिन गूगल मैप पे नहीं दिखाएगा। गूगल मैप पे भविष्य बद्री की लोकेशन दिखाएगा लेकिन मैं रोड से कैसे आना है ये नहीं शो करेगा वो, तो ये एक आप ध्यान रख के आइएगा कि लेकिन रोड है और बढ़िया रोड। तो बद्री विशाल के दर्शनों के साथ ही हमारी जो 3 एपिसोड की नीति वैली की सीरीज थी ये होती है खत्म। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। तो मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में किसी और नई जगह, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए और देखते रहिए ट्रैवरेस्ट।